ओके सो वी आर इन 2018 एंड द टाइम फॉर द न्यू सैमसंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन, यानी कि हमारे नए S9 की इंतजार चल रहा है हमारे 2018 में। तो यहाँ पर कुछ लीक्स र्यूमर्स सामने आए हैं जिन्हें कि अपडेट किया गया है 12th of January को। 12th of January यानी लेटेस्ट र्यूमर्स जो हमारे सैमसंग S9, सैमसंग गैलेक्सी S9 या सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus के बारे में देखने को मिलते हैं, उस बारे में मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर का नई प्लेसमेंट और काफी सारी वेरिएबल अपर्चर के साथ शायद आपको मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो में अगर इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। ओके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो इसमें फीचर्स तो बहुत सारे होने वाले हैं। फीचर्स में कुछ बस इंप्रूवमेंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले रिलीज डेट की ही बात करते हैं। तो रिलीज डेट की बात करें तो ये जो फोन है उसे सबसे पहले भी प्रेजेंट किया जाएगा मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2018 में, यानी 2018 की मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यानी MWC में इसे प्रेजेंट किया जाएगा और वहीं पर इसकी रिलीज डेट को भी बताया जाएगा, इसे ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। और डेट अभी तक पता नहीं चली है, हालांकि मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है वो 26 मार्च से 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलती है। तो ऐसे में यही नहीं कहीं आपको लेट फरवरी में देखने को मिल सकती है इसकी लॉन्च। और रिलीज डेट का मतलब पक्का तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पे डिटेल में आपसे बात करने वाला वो कन्फर्म नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे स्पेसिफिकेशंस की तरफ, डिज़ाइन की तरफ। और डिज़ाइन की बात करें तो कोई ज़्यादा नया डिज़ाइन नहीं है, जो कि आपको पिछले साल S8 और S8 Plus में देखने को मिला था। बिल्कुल आइडेंटिकल डिज़ाइन रहने वाला है, और डिज़ाइन ऑब्वियसली चेंज भी क्यों करें, इतना अच्छा फ़ोन दिखता है, बहुत बढ़िया। मिनिमम बेजल्स हैं इसमें, सबसे कम बेजल्स, और कर्व स्क्रीन जो कि होती है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा तो इसके अगर जो बॉडी है, जो कि इसके लुक्स हैं, जो चेंज ना किए जाएँ, इसके डिज़ाइन को चेंज ना किया जाए, उसमें 3.5 mm का जैक भी आपको देखने को मिलने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। जो कि और हमेशा की तरह इसके भी दो वेरिएंट्स लॉन्च होंगे, S9 और S9 Plus। और प्रोसेसर की बात करें तो शायद दोनों फोन सेम प्रोसेसर वेरिएंट्स में आएंगे, यानी वेरिएंट्स का मतलब ये नहीं कि आपको प्रोसेसर जो है S9 में कम मिलेगा, S9 Plus में आपको ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको प्रोसेसर जो है सेम मिलेगा, या तो आपको मिलेगा सैमसंग का एक्सिनोस 8910 या फिर लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर। स्क्रीन की बात की जाए तो बिल्कुल सेम स्क्रीन रहने वाली है, यानी कि 5.8 इंचेस की और 6.2 इंचेस की स्क्रीन्स यहां पर रहने वाली है S8 और S9 और S9 Plus की। सुपर एमोलेड क्वाड HD डिस्प्ले और एक्सपेक्ट रेशियो भी सेम रहने वाली, यानी 18.5:9 का इसको इसमें एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा। रैम शायद जो हायर वेरिएंट है उसमें 2 GB रैम ज़्यादा होगी, लोअर वेरिएंट से शायद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लोअर वेरिएंट यानी S9 में आपको 4 GB रैम और S9 Plus में आपको 6 GB रैम देखने को मिला, और इंटरनल स्टोरेज का 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, 64 GB और इंटरनल स्टोरेज शायद 64 GB आपको मैक्सिमम या उससे थोड़ी ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। इंटरनल स्टोरेज के बारे में कोई ज़्यादा कंफर्म डिटेल्स नहीं है, हालांकि कंफर्म डिटेल्स तो ये कोई भी नहीं, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बढ़ते हैं कैमरा की तरफ, तो यहाँ पे कैमरा काफ़ी इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रूमर्स है कि S9 Plus में आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप आपको पहली बार देखने मिलेगा। फ्लैगशिप स्मार्टफोन पहला ऐसा लॉन्च होगा जिसमें कि आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने मिलेगा। नोट सीरीज में आपको मिला था डुअल कैमरा सेटअप, लेकिन फ्लैगशिप जो S9 है नोट सीरीज में तो पहला लॉन्च हो चुका है नोट 8, लेकिन यहाँ पर S सीरीज में कोई भी डुअल कैमरा सेटअप नहीं मिला था। तो यहाँ पर आपको S9 Plus में डुअल कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, जिसमें एक कैमरा आपका 12 MP का होने वाला है, वो भी वेरिएबल अपर्चर के साथ, यानी वेरिएबल अपर्चर आपको मिनिमम अगर लो लाइट में है तो आप f/1.5 यूज कर सकते हैं, और ज्यादा ब्राइट कंडीशन से यहाँ पर अपर्चर आप f/2.4 को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में वेरिएबल अपर्चर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि S8 और S8 Plus में भी आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे कैमरास देखने को मिले थे, तो S9 में इम्प्रूव थोड़ा बहुत किया जा रहा है। और बात करें आयरिस स्कैनर की, तो यहाँ पर आयरिस स्कैनर में जो पहले जो कैमरा जो आपके आयरिस को स्कैन करता था वो था 2 MP का, लेकिन यहाँ पर उसे बढ़ाकर 3 MP का कर दिया गया, ताकि आपको काफ़ी जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले। यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, और स्लोमो यहाँ पर एक मतलब जो रिटेल बॉक्स है, यहाँ पर एक रिटेल बॉक्स की इमेज जो है जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ली हुई, जहाँ से कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लोमो यानी स्लो मोशन में रिकॉर्ड करने के फीचर्स यहाँ पर शायद आपको देखने को मिल सकता है।
किस रेजोल्यूशन पे करेगा ये नहीं पता, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये 1000 FPS पे आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला है, जैसे कि Xperia XZ प्रीमियम करता था। और अच्छी बात इस फोन में ये है कि बेटर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बेटर प्लेसमेंट ऑफ द फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर को अब पहले से ज्यादा अच्छी जगह पे, जो कि आपको ये अभी हाल ही में लॉन्च हुए A8+ में आपको देखने को मिलता है, जो कि कैमरा के नीचे, पिछली बार जो S8 और S8+ में था, फिंगरप्रिंट सेंसर बड़ी अजीब जगह रखा गया था, क्योंकि काफी सारे यूजर्स जो हैं कंप्लेन कर रहे थे कि फिंगरप्रिंट सेंसर को प्रैक्टिकली यूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, तो ऐसे में कैमरा के नीचे उसे प्लेस किया गया है। अच्छी बात है फिंगरप्रिंट सेंसर को ठीक जगह प्लेस किया गया, A8+ में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली थी, और Note 8 में नहीं सुधारी थी उन्होंने, यहाँ पर S9 और S9+ में आपको शायद नीचे देखने को मिल जाए। और बात की जाए तो फेशियल रिकॉग्निशन, तो फेशियल रिकॉग्निशन में यहाँ पर जो है 3D स्कैनिंग की तरफ नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि शायद उसमें कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लिमिटेशन है जिनकी वजह से वो 3D स्कैनिंग फिलहाल यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपको शायद S10 में देखने को मिले, अभी S9 लॉन्च नहीं हुआ, S10 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो है आपको फेशियल रिकॉग्निशन में जो अनलॉकिंग स्पीड थी वो कुछ अच्छी मिलने वाली है, तो होप्स वो काफी अच्छी है, जो परफॉर्मेंस है वो आपको मिलेगी फेशियल रिकॉग्निशन की, लेकिन iPhone 10 जैसी तो फेशियल रिकॉग्निशन फिलहाल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 3D स्कैनिंग को यूज करता है। और बाकी बस, तो फ्रेंड्स यही थे कुछ लीक्स रूमर्स जो कि आपको S9 S9+ में देखने को मिलेंगे, शायद कि ये डिटेल्स आपको देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ में आपको जाते जाते लास्ट में दिखाऊंगा एक इमेज, जो कि 91 मोबाइल्स और एक और कोई शायद है फर्म, उन्होंने कंबाइन करके एक वीडियो को पोस्ट किया, जिसमें कि आपको 3D मॉडल S9 और S9+ का देखने को मिलता है, तो आप उस पे जाके गौर कर सकते हैं। और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब मिलेगा जिस दबाने से मेरे चैनल सब्सक्राइब, और बराबर मिलेगा एक बेल आइकन जिस दबाने से होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अपना ख्याल रखिए और वीडियो जरूर देख के जाइए।